Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार भारतीय राजनीति से जुड़ी चर्चाओं की श्रृंखला में हमने अभी तक भारत की राजनीति से संबंधित कई पहलुओं का अध्ययन किया है कई पहलुओं के बारे में विस्तार से चर्चा की है हमने संविधान और उसके कुछ मुख्य प्रावधानों के बारे में बातचीत की है हमने राजनीतिक दलों के बारे में और सामाजिक आंदोलनों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की है आज की यह चर्चा भारतीय राजनीति और सेकुलरवाद के महाविवाद से संबंधित है सेकुलरवाद शब्द का इस्तेमाल सेक्युलरिज्म के हिंदी अनुवाद के रूप में मैं कर रहा हूँ और मुझे यह उम्मीद है कि आप लोगों को यह अंदाज़ा होगा कि आम तौर पर जो राजनेता हैं या जो अखबारों में जो लेखन होता है उसमें सेकुलरिज्म के लिए धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग होता है लेकिन पिछले कुछ दशकों में भारत में हिंदी में समाज विज्ञान में काम करने वाले कई विद्वानों ने इस बात को माना है कि जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है वह वा वास्तव में सेक्लरवाद को पूरी तरीके से अव्यक्त नहीं करता है और आप सब भी इस बात से वाकिफ़ होंगे कि बहुत सारे नेतागण यह कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता एक गलत शब्द है और उसकी जगह पंथ निरपेक्षता का प्रयोग होना चाहिए तो इन सारे विवादों को एक तरफ रखते हुए मैंने अपनी इस चर्चा के लिए जो सेकुलरिज्म शब्द है उसके लिए हिंदी में सेकुलरवाद का ही इस्तेमाल किया है आज की जो हमारी पूरी चर्चा है वह सेकुलरिज्म की आ, अर्थ सेकुलरिज्म के वाद विवाद को के विभिन्न पहलुओं को हमारे सामने रखने की कोशिश करेगी इस चर्चा में आ, मैं मैं यह कोशिश करूँगा कि जो ऐतिहासिक रूप से जो सेकुलरिज्म या सेकुलरवाद का विचार है उसकी उत्पत्ति के विभिन्न घटनाओं को आपके सामने रख सकूँ उसके बाद आ, इस पूरी चर्चा में मैं आपसे भारतीय संदर्भ में जो सेकुलरवाद का विचार है वह किस तरीके से आज़ादी के आंदोलन के दौरान उभर कर सामने आया उसमें किस तरीके के वाद विवाद थे उसके बारे में मैं आपसे कुछ पहलुओं को आ, आप आपसे साझा करूंगा और फिर भारतीय संविधान में जो सेक्लरिज्म का जो की जो पूरी अवधारणा है माध्यम से सामने आती है हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और किस तरीके से या सेकुलरवाद का जो विचार है वह कई तरीके के वाद विवादों से घिरा रहा है उसकी बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे हमारी ये कोशिश होगी कि जो एक महाविवाद सेक्युलरवाद को लेकर रहा है अकादमिक दुनिया में उसके बारे में एक समझ हम बना सकें मैं आपको उसकी एक समझ बनाने के लिए कुछ महान जो लेखन है उससे आपको वाकिफ कराऊंगा। महान इस अर्थ में कि उन्हें वैश्विक स्तर पर भी जब सेकुलरिज्म की बात की जाती है तो उन्हें उद्धृत किया जाता है और इस संदर्भ में हम मुख्य रूप से आ, बात करेंगे आशीष नंदी की पार्थ चटर्जी की त्रिलोकीनाथ मदन या टी मदन की राजीव भार्गव की और हाल के समय में जिस तरीके से सेकुलरवाद के विचारों को प्रश्नांकित किया गया है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे तो सेकुलरवाद की अवधारणा की उत्पत्ति उसके भारतीय स्वरूप के विकास उसके भारतीय स्वरूप की विशिष्टता और उससे संबंधित विशद वाद विवाद को आपके सामने रखने की कोशिश आज की इस पूरे चर्चा में मैं करूंगा। सेक्लरवाद की व्युत्पत्ति की अगर हम बात करें तो सेक्लरवाद की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेकुलरिस्ट से हुई है सेकुलरिस्ट से फ्रेंच भाषा ने सेक्युलर शब्द हासिल किया जिसे मध्यकालीन अंग्रेजी ने अपना लिया सेकुलरिस्ट का अर्थ है आज का समय अर्थात जो दैवी समय से भिन्न है आज के समय की अवधारणा में ही यह लोक का विचार निहित है जो उस दुनिया यानी परलोक से अलग है सेकुलरवाद मनुष्य और उसके संसार की इलौकिकता का सिद्धांत है यानी कि जो यह दुनिया है जो मौजूदा दुनिया है जिसमें मनुष्य रह रहा है उसका यह सिद्धांत है वह धर्म के वर्चस्व उसकी निरंकुशता और उसके आधार पर किए जाने वाले किसी भी किस्म के बहिर्वेशन या एक्सक्लूजन के विरोध में खड़ा है शिक्लरवाद आग्रह करता है कि सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था संस्थागत धार्मिक प्रभुत्व से पूरी तरह मुक्त होनी चाहिए यानी कि जो पश्चिम के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि जो चर्च की पूरी व्यवस्था थी उससे एक अलग व्यवस्था के रूप में सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को देखा जाना चाहिए क्योंकि पहले पश्चिमी समाजों में जो चर्च था वह लोगों के जीवन पर अपना एक आधिपत्य रखता था तो यह जो पूरा विचार है सेकुलरवाद का वह दोनों की पृथकता की बात करता है धर्म के उत्पीड़नकारी निरंकुश विषमता मूलक और बहिर्वेषनकारी यानी कि एक्सक्लूजन करने वाले पहलुओं का यह विरोध करता है और सेकुलरवाद को कई बार यह माना जाता है कि यह खुद धर्म का भी विरोध कर रहा है लेकिन अनिवार्य रूप से यह बात नहीं है कि सेकुलरवाद धर्म के उन्मूलन की बात करता है वा या वह यह इस बात पर जोर देता है कि धर्म को या धार्मिक संस्थाओं को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए बल्कि सेकुलरवाद धर्मों की स्वतंत्रता धर्म से स्वतंत्रता धर्मों की आपसी समानता और आस्तिकों व नास्तिकों के बीच समानता की वकालत करता है यानी कि जो सेक्युलरवाद का विचार है वह यह मानता है कि जो अलग अलग तरीके के धर्म हैं वे सभी अपने व्यवहारों को समाज में कायम रख सकते हैं धर्म के भीतर जो लोग हैं उनके बीच में समानता होनी चाहिए और अगर ऐसा समूह है जो धर्म को नहीं मानता है तो उसको भी यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपने जीवन को सम्मानपूर्वक गरिमामय तरीके से जी सकें सेकुलरवाद या सेकुलरिज्म को भारत जैसे बहुधार्मिक देशों के लिए भी उपयुक्त माना गया लेकिन इस प्रक्रिया में राजनीतिक सेकुलरवाद की सैद्धांतिक निष्पत्तियाँ नए सिरे से प्रश्नांकित हुई हैं भारत में बहुसंख्यक समाज से आए नेताओं ने सेक्युलरवाद को आधुनिकीकरण की मुहावरे के तौर पर अपनाया और अल्पसंख्यकों के राजनीतिक प्रवक्ताओं ने उसे धार्मिक आज़ादी के नाम पर अपने धार्मिक सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए अंगीकार किया इसका अर्थ निश्चित रूप से यह है कि जो सेकुलरवाद का विचार था वो दो अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग रूप में भारत में आया है और शायद यह इसके विवाद का एक कारण भी है जो बहुसंख्यक तबका है उसने यह माना कि अगर वह मॉडर्नाइजेशन की तरफ या आधुनिकीकरण की तरफ आगे बढ़ रहा है तो उसके विचारों में यह तत्व तो जरूर होना चाहिए कि जो धर्म के नाम पर अलग अलग तरह के अत्याचार होते हैं या विषमताएं होती हैं उन्हें दूर किया जाए और हम धर्म को अपने निजी जीवन से जुड़ा हुआ माने दूसरी तरफ जो अल्पसंख्यक समूह हैं उनको यह लगता है कि अगर सेकुलरवाद के विचार को वह अपनाते हैं तो सेकुलरवाद का विचार उन्हें बहुसंख्यकवाद से एक तरह से सुरक्षा प्रदान करेगा सेकुलरवाद का विचार उन्हें यह मौका देगा कि वे अपने धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के आयामों को भी खुलकर अभिव्यक्त कर सकें और बिना किसी डर के कर सकें क्योंकि जो राज्य की संस्था होगी वो एक तटस्थ संस्था के रूप में होगी तो भारत के संदर्भ में जो सेकुलरवाद है वह राज्य और धर्म का जो एक त्रिकोण यूरोप या अमेरिकी मॉडल की तरह से आता है यानी कि सेकुलरवाद धर्म और राज्य ये एक जो यूरोपीय मॉडल है कि सेकुलरवाद एक विचार के रूप में धर्म और राज्य के बीच में एक पृथकता की दीवार खड़ी करता है उस संदर्भ में भारत में ये नहीं आता है और यहीं से उसकी कई तरह की विडंबनाएँ शुरू होती हैं और इसके कारण से हम यह भी कह सकते हैं कि भारतीय सेक्लरवाद की एक विशिष्ट संरचना विकसित हुई है भारतीय राज्य को विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न धर्मों में हस्तक्षेप करने या ना करने के बारे में संवेदनशील किस्म के फैसले लेने पड़ते हैं जिससे राजनीति और सामाजिक चेतना में बेचैनियाँ पैदा होती हैं और हम इसको देख भी सकते हैं कि अगर आगे मैं इस पहलू पर बहुत विस्तार से आऊँगा लेकिन भारतीय सेक्लरवाद की जो पूरी समस्या है वह इसी बात से आती है कि कई बार यह आरोप लगता है कि जो राज्य है वह मनमाने तरीके से किसी धर्म के धार्मिक मामलों में दखलंदाजी कर रहा है और किसी धर्म के जो रूढ़िवादी पहलू हैं उन पर ध्यान नहीं दे रहा है तो यह एक विचार सामने आया है कि भारत की यह स्थिति इसलिए है क्योंकि यह बहुधार्मिक है भारत की यह स्थिति इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो धर्म है वह लोगों के जीवन से काफ़ी गहरे स्तर से जुड़ा हुआ है तो ऐसे में राज्य को यह फैसला करना पड़ता है कि वह किसी धर्म के किन पहलुओं में दखलअंदाजी करे और किन पहलुओं में दखलअंदाजी ना करें या किस धर्म को बिल्कुल ही दखलअंदाजी से परे छोड़ दे तो हम इसको कैसे देख सकते हैं मुझे यह लगता है और आगे हम इस चीज़ पे और विस्तार से आएंगे कि हमें अलग अलग मसलों पर इस पर विचार करने की ज़रूरत है लेकिन यह बात सच है कि जो भारतीय सेकुलरवाद है जो भारत में जो सेकुलरिज्म का विचार आया है उसकी जो विशिष्टता है उसकी जो खासियत है और उसकी जो समस्याएं हैं वह इसी पहलू से निकली हैं कि वह एक जो पृथकता की दीवार होनी चाहिए आ, धर्म और राजनीति के बीच में या राज्य और धर्म के बीच में वह खड़ी करने में नाकाम रहा है और राज्य जो है वह धर्म के मामलों में दखलंदाजी करता है और कई बार अलग अलग समय पर अलग अलग स्तरों पर वह धर्म से प्रभावित भी होता है तो इसके बारे में हम और आगे देखेंगे कि यह किस तरीके से भारत में जो सेकुलरवाद का महाविवाद है उसका एक अंग बना हुआ है अगर हम संविधान सभा और सेकुलर मूल्य की बात करें तो एक तो जो पहली बात है कि संविधान सभा में महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या ऐसे और भी जो शख्सियतें थी उनके विचारों का काफ़ी प्रभाव रहा और विशेष रूप से इसमें जो एक वाद विवाद माना जाता है या एक अंतर माना जाता है वह नेहरू और गांधी के विचारों में माना जाता है कई विद्वान यह मानते हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू थे और जो महात्मा गांधी थे उनके विचारों में एक तरीके से फर्क था जहाँ तक धर्म और राजनीति के बीच का संबंध है गांधी राजनीति और धर्म के बीच में एक अभिन्न अंग एक अभिन्न संबंध मानते हैं ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है और जवाहरलाल नेहरू जो पश्चिमी जो एक अवधारणा थी सेकुलरवाद की उससे प्रभावित थे और वह मानते थे कि राज्य को धर्म से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए और उसे सभी धर्मों को बराबर मानना चाहिए कई विद्वानों का यह कहना है और उन्होंने अपना यह तर्क आ, महात्मा गांधी के 1940 के बाद के समय में जो उनका लेखन था उसका परीक्षण करते हुए दिया है जब मुस्लिम लीग धर्म के नाम पर एक अलग देश की मांग कर रही थी और कुछ एक कट्टरपंथी राजनीति की प्रवृत्ति हिंदुओं में भी विकसित हो रही थी तो गांधी ने इस बात को साफ किया कि जो धार्मिक मामले हैं उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए तो वो जिस धर्म की जब बात करते हैं वह धर्म नैतिकता परक ज़्यादा है और वो यह है मानते हैं कि जहाँ तक राज्य की भूमिका का सवाल है वह धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं कर सकता है वह धार्मिक पहचानों को लेकर राजनीति को बढ़ावा नहीं दे सकता है तो इस लिहाज से 1940 के दशक में गांधी भी काफ़ी हद तक वही बात कह रहे थे जो कि नेहरू हमेशा से कहते रहे थे संविधान सभा में एक विचार यह भी आया कि हिंदू धर्म अपने आप में इतना उदार है कि हम उसे ही एक तरीके से सेकुलरवाद का पर्याय मान सकते हैं लेकिन इस विचार पर कुछ लोगों को सहमति थी कुछ लोगों की कुछ लोग मानते थे कि यह सही विचार है लेकिन फिर भी संविधान सभा ने सिर्फ इसके भरोसे चीज़ों को नहीं छोड़ा कि चूंकि हिंदुस्तान जो है वो हिंदुओं के लिए बहुसंख्यक देश बहुसंख्यक यहाँ हिंदू हैं और हिंदुओं की बहुसंख्या वाला देश है तो हम यह भरोसा कर सकते हैं कि यहाँ पर हमेशा ही एक सर्वधरोभाव का माहौल रहेगा बल्कि संविधान सभा ने इसके स्थान पर कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए संविधान के भीतर और इन प्रावधानों को हम सेकुलरवादी प्रावधान के रूप में देख सकते हैं अगर हम सेकुलरवाद के भारतीय मॉडल में की तरफ आएँ तो हम यह देखेंगे कि जो पश्चिमी मॉडल है और जो भारतीय मॉडल है उसके बीच में एक साफ़ अंतर है और यहाँ हम संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से भी इन चीज़ों को देख सकते हैं सेकुलरवाद के पश्चिमी मॉडल के साथ अगर तुलना की जाए तो भारतीय सेकुलरवाद में उसके सभी लक्षण दिखाई पड़ते हैं धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिक समानता के लिहाज से भारतीय संविधान पश्चिम की ही भांति राज्य और धर्म के बीच पार्थक्य की दीवार खड़ा खड़ी करता है यानी कि कुछ पहलुओं में धार्मिक स्वतंत्रता के पहलु में और नागरिक समानता के पहलु में लेकिन इस समानता के साथ साथ भारतीय सेकुलरवाद पश्चिमी मॉडल से काफी भिन्न है इन समानताओं और भिन्नताओं को समझना आवश्यक है अगर हम समानताओं की बात करें तो हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 25 25 1 27 28 और धार्मिक कामकाज में सरकारी धन खर्च करने से संबंधित जो प्रावधान हैं उन सब चीज़ों में यह बात है कि सरकार जो है वह किसी भी तरीके से लोगों के जीवन में दखल अंदाजी नहीं करेगी यानी कि उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी उन्हें अपने जो संस्थाएं हैं उन्हें संचालित करने का अधिकार होगा और वो जो एक तरीके से धार्मिक कामकाज है उसमें सरकार अपने धन को खर्च नहीं करेगी सरकारी कोर्स द्वारा संचालित किसी भी स्कूल में धार्मिक शिक्षा पर पाबंदी है और हर व्यक्ति को और यहाँ तक कि अगर कोई माइनॉरिटी स्कूल भी है तो वहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता है कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं या जो उस स्कूल में होने वाली धार्मिक सभाओं में या धार्मिक प्रार्थना में नहीं जाना चाहते उन्हें भी उसमें जाना चाहिए यानी कि कोई किसी को धर्म के आधार पर कोई काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है अगर वह व्यक्ति वैसा नहीं करना चाहता है तो निश्चित रूप से धर्मांतरण की स्वतंत्रता है क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता से इसे जुड़ा हुआ माना गया लेकिन बाद में बहुत सारे मुकदमों में यह बात सामने आई कि लोभ देकर धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता है तो एक तरीके से एक ऐसा मॉडल है जहाँ पर लोगों को धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त है और वह धर्म की स्वतंत्रता उनकी जो व्यक्तिगत नागरिक अधिकार है उनसे जुड़ी हुई है हर व्यक्ति को अपने अंतकरण के आधार पर अपना धर्म चुनने उसका पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी है अंतकरण की यह स्वतंत्रता किसी धर्मविहीन व्यक्ति की स्वतंत्रता की भी गारंटी करती है संविधान धर्म और धर्म से संबंधित किसी भी खर्चे के लिए राज्य को व्यक्ति पर कोई टैक्स लगाने का अधिकार नहीं देता अगर किसी शिक्षा संस्थान में किसी भी तरह का धार्मिक पूजा पाठ होता है या धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो उसमें भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जा सकता दूसरी तरफ संविधान के अनुच्छेद चौदह पंद्रह एक और उनतीस दो में धर्म जाति नस्ल लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है राज्य द्वारा संचालित किसी शिक्षा संस्थान में इन आधारों पर किसी व्यक्ति इस आधार पर किसी व्यक्ति को दाखिले से वंचित नहीं किया जा सकता और ना ही सरकार नौकरी देने से के मामले में किसी के साथ इस तरह का इस आधार पर भेदभाव कर सकती है कि उसका धर्म क्या है तो ये जो कुछ पहलू हैं वो यह दिखाते हैं कि किस तरीके से भारतीय संविधान में एक तरीके से धार्मिक आधार पर समानता की बात कही गई है इसका एक अन्य पहलू यह है कि जो सार्विक मताधिकार से संबंधित अनुच्छेद हैं और उसके साथ साथ अनुच्छेद 325 के तहत मतदाता सूची में कोई व्यक्ति जो है वो धर्म के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है उसे उसके नाम को शामिल करने से इस आधार पर इनकार नहीं किया सकता है कि वे एक खास धर्म को मानने वाला है संविधान के प्रावधान धर्मतंत्री राज्य यानी कि धर्म पर आधारित राज्य और किसी धर्म को औपचारिक मान्यता की संभावनाओं को खारिज करते हैं हालांकि उसकी सहिष्णुता पारंपरिक हिंदू सहिष्णुता से अलग तरह की है पर इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय समाज की पारंपरिक सहिष्णुता के तत्वों ने संविधान प्रदत्त सहिष्णुता के संरचना में योगदान दिया यानी कि जैसे मैंने आरंभ में कहा था कि संविधान सभा में बहुत सारे सदस्यों ने जब यह कहा कि हिंदू धर्म जो है अपने आप में एक उदार धर्म है सर्वधर्म संभाव पर आधारित है तो सिर्फ इस बात को एक तरीके से स्वीकार करते हुए संवैधानिक प्रावधानों को ना की व्यवस्था ना की जाए ऐसा नहीं किया गया कुछ ठोस संवैधानिक प्रावधान किए गए लोगों के फंडामेंटल राइट्स में उनको दर्ज किया गया लेकिन इसके साथ ही अगर हम एक विश्लेषण के तौर पर देखें तो हम यह कह सकते हैं कि इसमें जो भारत की जो एक सहिष्णुता या पारंपरिक रूप से अन्य धर्मों को भी या अन्य पूजा पद्धतियों को भी स्वीकार करने की एक प्रवृत्ति रही है उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही इस सेकुलर विचार को अपनाने में क्योंकि बहुत सारे जो देश थे जो उस समय आज़ाद हुए थे जिसमें पाकिस्तान को भी हम शामिल कर सकते हैं वहाँ पर इस तरीके के विचारों को स्वीकार नहीं किया गया और भारत में इसलिए भी इसे स्वीकार किया जा सका क्योंकि जो आज़ादी का आंदोलन था उसमें जो जुड़े हुए या उसमें शामिल होने वाले जो लोग थे वो इन मूल्यों पर विचार करते विश्वास करते थे और इन मूल्यों पर विश्वास करने की जो उनकी पूरी एक समझ थी उसमें उनके सांस्कृतिक मूल्य भी आते थे इस बात को भी खारिज नहीं किया जा सकता है और यह भी कहा जाना चाहिए माना जाना चाहिए कि इसमें पश्चिमी शिक्षा से उनके जुड़ाव की भी एक स्तर तक भूमिका रही तो एक ऐसा पहलू हमारे सामने आता है भारतीय संविधान का जिस जो कि पश्चिमी सेकुलरवाद से काफ़ी हद तक समान है लेकिन इसकी पश्चिमी सेकुलरवाद से कई तरह की भिन्नताएं भी हैं कम से कम छह ऐसे लक्षण हैं जो भारतीय सेकुलरवाद को पश्चिमी मॉडल से अलग दिखाते हैं पहली भिन्नता यह है कि भारतीय मॉडल संविधान के अनुच्छेद 26 और तीस एक के अनुसार धार्मिक और गैर धार्मिक स्वतंत्रताओं और समानता को व्यक्तिगत आधार पर नहीं बल्कि शांति सहिष्णुता और गैर व्यक्तिगत आधार पर स्थापित स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को भी मान्यता देता है तो एक तरीके से जो इंडिविजुअल राइट्स की जो बात है वो इससे अलग ग्रुप की तरफ जाता है और उस रूप में इसको सामने रखता है यह समुदायों को भी अपने धार्मिक आस्थाओं के मुताबिक शिक्षा संस्थाएं चलाने की इजाज़त देता है ताकि वे अपनी विशिष्ट धार्मिक परंपराओं की संरक्षा कर सकें और यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अस्सी के दशक में बाद में पश्चिमी समाजों में जो उदारवादी समाज थे उनके उनमें यह वाद विवाद शुरू हुआ कि समूह के अधिकारों को मान्यता देने की भी काफ़ी ज़रूरत है लेकिन भारतीय संविधान में यह बात पहले से ही सम्मिलित की गई थी कि कुछ व्यक्तिगत अधिकार हैं और कुछ अधिकार समूहों के हैं जो दूसरी भिन्नता है पश्चिमी सिकुलरवाद और भारतीय मॉडल के सिकुलरवाद में वह यह है कि सिकुलरवाद का भारतीय मॉडल एक बहुधार्मिक समाज में एक धर्म द्वारा किसी दूसरे धर्म पर प्रभुत्व जमाने के प्रति ही नहीं बल्कि किसी धर्म के भीतर प्रभुत्व जमाने की परिघटना का भी ध्यान रखता है यानी वह इस बात को मान्यता देता है कि अगर आ, कहीं भी दूसरे धर्मों में एक समूह के साथ निम्न स्तरीय व्यवहार किया जाता है या उस समूह के लोगों की जो व्यक्तिगत अधिकार है उनका उल्लंघन किया जाता है या उन्हें अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आ, काम करने या स्कूलों की स्थापना करने इत्यादि से रोका जाता है तो राज्य फिर वहाँ हस्तक्षेप करता है तो यह धर्मों के भीतर भी जो विषमता की परिघटना है उसको प्रश्नांकित करता है और उनके भीतर जो छोटे समूह हैं उनके अधिकारों को भी संरक्षण देता है तीसरी भिन्नता यह है कि भारतीय मॉडल राज्य और धर्म के बीच पार्थक्य के मामले में उसूली फासले के सिद्धांत के आ, से प्रतिबद्ध है जो उसूली फासला या प्रिंसिपल डिस्टेंस का सिद्धांत है उसकी शिनाख्त राजी भार्गव द्वारा की गई जिसके बारे में हम उस समय और विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम राजीव भार्गो के विचारों को देखेंगे यहाँ हमें बस यह आ, समझने की ज़रूरत है कि उसूली फासला का जो सिद्धांत है वह यह मानता है कि फासला जो है पूरा नहीं होगा यानी कि जो पार्थक्य है जो सेपरेशन है आ, राज्य और धर्म का वो पूरा नहीं होगा बल्कि वो प्रिंसिपल डिस्टेंस होगा कुछ मामलों में जो कि चौथी भिन्नता है उसूली फासले के सिद्धांत के तहत राज्य धर्म के किन्हीं आयामों के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अख्तियार करेगा और किन्हीं प्रश्नों पर धार्मिक दृष्टिकोण का आदर करते हुए मसलों को नज़रअंदाज करेगा और यह बात हम कई तरह के उदाहरणों से देख सकते हैं अर्थात जब धर्म की आलोचना और आदर साथ साथ चलने वाला यह जो रवैया है यह उन महान भारतीय धर्म सुधार को जैसा है जो अपने धर्म के प्रति लगाव के कारण ही उसमें परिवर्तन करना चाहते थे अब ये जो तीसरी और चौथी विशेषता है उसमें हम कई तरीके के उदाहरणों को देख सकते हैं मिसाल के तौर पर अगर धर्म के आधार पर आ, कुछ ख़ास तरीके के समूहों के साथ भेदभाव किया जाता है जैसे अस्पृश्यता की समस्या हो गई स्त्रियों के साथ कुछ गलत तरीके के व्यवहारों को धर्म के आधार पर सही साबित करने की बात हो गई तो वैसी परिस्थिति में जो ये जो सेकुलरवाद का विचार है वह राज्य को उसमें दखलंदाजी करने की इजाज़त देता है और कुछ अन्य मामलों में जब धर्म अपने आप को व्यक्त करता है तो वह उसे एक तरीके से नज़रअंदाज करने की भी इजाज़त देता है और हमें यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो भारतीय सेकुलरवाद से संबंधित महाविवाद है या अभी भी जो लगातार सेकुलरवाद को प्रश्नांकित किया जाता है उसमें इस बात की खासी भूमिका हो जाती है कि आखिर राज्य जो है वो किन मामलों में दखलंदाजी दे रहा है किन धर्मों के मामलों में अंदाज़ी दे रहा है और किन धर्मों या समूहों के मामलों को वो पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दे रहा है तो एक तरीके से उसूली फासला है लेकिन इसके साथ ही उसूली फासला जो है वो एक विवाद का कारण भी है पांचवी भिन्नता जो है वो उसूली फासले का जो सिद्धांत उसी से संबंधित है उसूली फासले का सिद्धांत सेकुलर दृष्टिकोण को आधुनिक बनाम पारंपरिक पश्चिमी बनाम पूर्वी विदेशी बनाम देशज जैसे द्विभाजनों में फंसने से रोकता है उसके मुताबिक भारतीय शुक्लवाद आधुनिक तो है पर पश्चिमी मॉडल से पर्याप्त रूप से भिन्न है छठी भिन्नता भारतीय शुक्लवाद को नैतिक मूल्यांकन के अलग तरह के मॉडल की तरफ ले जाती है जो बेहद संदर्भगत है जिसके अंतर्गत विभिन्न समाज अपने अलग अलग तरह के शुक्लरवादों की अभिकल्पना कर सकते हैं इससे एकाधिक सेकुलरवाद की संभावनाएं खुलती हैं अर्थात सेकुलरवाद का रूप और सार अलग अलग परिस्थितियों समय और संदर्भों में अलग अलग हो सकता है यानी कि यह या जो भारतीय सेकुलरवाद है वह अलग अलग समूहों को इस बात की छूट देता है कि वह अपनी जो धर्म और राजनीति से या राज्य और धर्म के बीच के जो जुड़ाव का मसला है उसकी परिकल्पना अलग अलग तरीके से करें एक मॉडल या एक तरीके से जो सेकुलरवाद है उसको समझने पर या एक तरीके से रोक लगाता है क्योंकि जो पश्चिमी सेकुलरवाद है वह यह मानकर चलता है कि अगर धर्म और राजनीति में कोई मिलावट होती है तो वह सेकुलरवाद के मूल्यों को के ख़िलाफ़ है सेकुलरवाद के मूल्यों को हल्का करने की तरह है और जो भारतीय मॉडल है वह जैसे हमने देखा कि वह प्रिंसिपल डिस्टेंस के सिद्धांत पर आधारित है और वह धर्मों को भी इस बात की छूट देता है कि वह अपने आप को खुलकर अभिव्यक्त कर सकें तो यह पूरी तरीके से एक रूप मॉडल के रूप में सेकुलरवाद को नहीं देखता है और जो अब हम यहाँ से जो हमने भारतीय सेकुलरवाद और पश्चिमी सेकुलरवाद के बीच में साम्यता और भिन्नता को देखा और उससे यह बात साफ़ हो गई कि जो भारतीय सेकुलरवाद है उस वो एक तरीके से विशिष्टता अपनी अंदर उसके अंदर मौजूद है उसने अपने आप को एक विशिष्ट रूप में प्रस्तुत किया है एक और पहलू जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो संविधान का बयालीसवां संशोधन हुआ था 1976 1976 में उसके बाद हमारे देश के संविधान के प्रियम्बल में आ, या प्रस्तावना में सेकुलर शब्द को जोड़ा गया लेकिन जैसे कि हमने पीछे चर्चा की कि हमारे संविधान के जो अलग अलग तरीके के प्रावधान हैं वह सेकुलर शब्द को प्रस्तावना में सम्मिलित करने पर निर्भर नहीं है उसके पहले से ही वो प्रावधान मौजूद हैं और वो प्रावधान पर्याप्त रूप में भारतीय राज्य के सेकुलर चरित्र को परिभाषित करते हैं और जो एक केशवानंद भारती केस हुआ था उसमें भी यह सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि जो सेकुलरिज्म है या सेकुलरवाद जो है वो भारतीय संविधान की आधारभूत संरचनाओं में एक है और उसने यह कहा था केशवानंद भारती केस में कि भारतीय संविधान में जो संसद है वो संशोधन कर सकती है लेकिन जो उसकी आधारभूत संरचनाएं हैं उसमें बदलाव नहीं कर सकती हैं अब हम आगे बढ़ेंगे और भारतीय संविधान सेकुलरवाद से संबंधित महाविवाद को समझने की कोशिश करेंगे यह महाविवाद जो है वह राजनीतिक स्तर पर भी सामने आया हम उसमें एक समानता देख सकते हैं यानी कि हम अगर देखें भारतीय राजनीति को तो उसमें भी 1980 के दशक में सेकुलरवाद के मूल्यों को काफ़ी हद तक प्रश्नांकित किया जाता रहा तो मेरी यह कोशिश होगी कि मैं यहाँ पर जो आ, विद्वानों के काम हैं उनके बारे में थोड़े विस्तार में बताऊँ और उसके साथ साथ जब मैं घटनाओं का जिक्र करूँगा तो मैं अलग अलग तरीके से जो राजनेताओं के द्वारा विचार दिए गए या जो घटनाएं हो रही थी उनके बारे में भी आपको बताऊंगा लेकिन एक चीज़ हम आ, ध्यान में रखेंगे कि यह पूरा जो वाद विवाद है वह बहुत ही मजबूती से 1980 के दशक में सामने आया और बाद में भी इस पर लगातार वाद विवाद होता रहा और इस संदर्भ में हम मुख्य रूप से अगर हम विद्वानों की बात करें तो हम मुख्य रूप से आशीष नंदी पार्थ चटर्जी टी एन मदन और राजीव भार्गव के विचारों पर चर्चा करेंगे और साथ ही हाल के समय में इस विमर्श की समीक्षा के लिए अभय कुमार दुबे और बद्री नारायण के तर्कों का भी विश्लेषण करेंगे आशीष नंदी और और उनका जो एक लेख है एंटी सेक्युलरिस्ट मैनिफेस्टो वह काफ़ी महत्वपूर्ण लेख माना जाता है इस महाविवाद का जो उद्घोष है जो आ, आ, एंटी सेक्युलरिस्ट मैनिफेस्टो जो लेख है आशीष नंदी का उससे हुआ और उस वह सेमिनार में की जो एक पत्रिका है बहुत जानी मानी पत्रिका है जो अंग्रेजी में हर माह प्रकाशित होती है उसमें एक लेख प्रकाशित हुआ आशीष नंदी का और उस लेख का शीर्षक था एंटी सेकुलरिस्ट मैनिफेस्टो इसके लेखक आशीष नंदी थे और नंदी ने आधुनिक राष्ट्र द्वारा आरोपित धार्मिक और सेकुलर का विभाजन दिखाते हुए सेकुलरवाद के दो रूपों के बीच फर्क किया और आशीष नंदी आ, जो हैं वो आ, हमारे देश के आ, जाने माने चिंतक हैं और उन्होंने आ, कई पुस्तकों की रचना की है जिसमें द इंटीमेट एनिमी आ, जो 1980, टू में प्रकाशित थी थ्री में प्रकाशित हुई थी आ, उसमें आ, उन्होंने आ, एक अलग तरीके से यह दिखाया है कि कैसे जो उपनिवेशवाद है उसने भारतीय मानस पर गहरा प्रभाव डाला और एक तरीके से लोगों को आ, जो पश्चिमी सोच है उसकी तरह बनने के लिए आ, एक मॉडल उत्पन्न किया फिर वो ये दिखाते हैं कि गांधी ने इसका एक विकल्प तैयार किया लेकिन जो उनका यह लेखन है जहाँ पर और यह काफ़ी प्रसिद्ध लेखन है वहाँ पर उन्होंने सेकुलरिज्म का जो पूरा विचार था उसकी कमियों को बहुत ही मजबूती से सामने रखा और उन्होंने यह कहा कि एक रूप धर्म को राजनीति से अलग करने में दिलचस्पी रखने वाला पश्चिमीकृत आधुनिकतावादी किस्म का है यानी कि जो सेकुलरवाद का जो रूप है उन्होंने दो रूपों की बात की थी तो जो सेकुलरवाद का एक रूप है वह धर्म को राजनीति से अलग करने में दिलचस्पी रखने वाला पश्चिमीकृत आधुनिकतावादी किस्म का है और दूसरा धर्म का विरोधी ना होकर यूरोद्रीयता विदेशी द्वेष और कट्टरपंथ का विरोधी है तो ये जो ए, दो अलग अलग तरीके से चीज़ें आशीष नंदी ने प्रस्तुत की और उसमें उन्होंने ये दिखाया कि इसमें दो तरह के एक मॉडल सामने आते हैं नंदी ने यह दावा किया कि सेकुलरवाद के दूसरे रूप की भूमिका भारत में गौण हो चुकी है यानी कि ये जो दूसरा रूप था जिसमें कि दूसरे धर्मों के प्रति नफ़रत ना करना और एक तरीके से सामंजस्य बनाना वो जो मसला था वह थोड़ा सा गौण हो चुका था और जो पहला सेकुलरवाद था जो कि जिसका कि आधुनिकतावादी और राज्यवादी आग्रह था वह उसके कारण से धर्म आधारित राजनीति का प्रभाव बढ़ता चला गया और नंदी ने धर्म के दो रूपों के बीच भी फर्क करते हुए दिखाया की धर्म की एक निर्मित आधुनिकतावादी और विचारधारात्मक किस्म की है जिसके साथ तादात्म्य स्थापित करने में पश्चिमीकृत सेकुलरवाद को कोई दिक्कत नहीं होती है लेकिन उसकी दूसरी निर्मित दैनंदिन जीवन रोजमर्रा की जिंदगी की आध्यात्मिकता से जुड़ी है जिसे सेकुलरीकरण खत्म कर देना चाहता है धर्म के राजनीति से बहिष्करण का नतीजा यह हुआ कि धर्म की बुराइयां तो राजनीति में व्यक्त होने लगीं लेकिन उसकी अच्छाइयां सार्वजनिक जीवन के भ्रष्टाचार और हिंसा को संयमित करने के लिए उपलब्ध नहीं रह गई आधुनिकतावादी आग्रहों ने धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के प्रति प्रबंधकीय रवैया अख्तियार कर लिया जिसका पतन बहुसंख्यकवाद के मुताबिक लिए निर्णयों में होना ही था भारतीय राष्ट्र राज्य को मिलने वाली जातीय और धार्मिक चुनौतियां इन्हीं हालात की पैदाइश थीं नंदी के मुताबिक सेकुलरवादी व्यवहार ने तो कट्टरपंथी राजनीति को जन्म दिया अगर हम नंदी के द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को बिंदुवार समझने की कोशिश करें तो उनका मुख्य रूप से यह कहना था कि जो आधुनिकीकरण की, की पूरी प्रक्रिया है जो आधुनिकता है उसने एक ऐसे धर्म की परिकल्पना प्रस्तुत की जो कि एकाश्मी है एक रूप है उसके भीतर कुछ भिन्नताएं नहीं हैं और उसने सेकुलरवाद के उस रूप को बढ़ावा दिया जिसमें कि राज्य को पूरी तरीके से धर्म से दूरी बनाकर रखनी है और जो एक दूसरे तरह का सेकुलर बात था या धर्म की जो दूसरी भूमिका थी वह गौण होती चली गई और वह दूसरी भूमिका क्या थी वह दूसरी भूमिका थी दूसरे धर्मों के साथ रोज़मर्रा के जीवन में संवाद करना दूसरे धर्म के लोगों के साथ एक ऐसा व्यवहार बनाना जिसमें कि एक आपसी समझ बने और धर्म एक दूसरे के त्योहारों में जाना एक दूसरे के यहाँ जो अलग अलग तरह की आ, कल्चरल जो फेस्टिवल्स हैं उसमें सम्मिलित होना तो ये जो पूरी एक प्रक्रिया थी उस पर रोक लगी और नंदी का यह कहना है कि उसमें जो सेक्लरवाद का जो पहला रूप है वो जो कि भारत में सेक्लरवाद के रूप के रूप के एक रूप के तौर पर स्थापित हो गया उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही जिसमें कि धर्म की जो एक सकारात्मक या दैनंदिन जीवन में जो भूमिका हो सकती है उसको लगातार खारिज किया गया और इसका नतीजा यह हुआ कि यह माना जाने लगा राज्य के द्वारा कि किसी भी तरीके से अल्पसंख्यकों को एक उनका प्रबंधन करना है तो ये एक ऐसी बहुमतवादी दृष्टि थी जिसमें कि संवाद करते हुए समस्याओं को समझने के बजाय और एक दूसरे की जो अच्छे पहलू हैं उनसे सीखने के बजाय इस बात पर जोर दिया जाने लगा कि किस तरीके से राज्य जो है वो अल्पसंख्यकों का प्रबंधन करें और वह नंदी के अनुसार एक बहुमतवादी दृष्टि थी और इसके कारण से आ, कई तरीके की समस्याएं भारत में उभर कर सामने आईं और मो, मोटे तौर पर हम देखें तो यह एक तरीके से आ, जो गांधी जिस तरीके से धर्म की भूमिका को देखते थे और वो चाहते थे कि विभिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे से मिले जुले एक दूसरे के आ, जो त्यौहार हैं एक दूसरे की जो परेशानियाँ हैं एक दूसरे की जो खुशियाँ हैं उसमें उससे एक दूसरे को जोड़ें और उससे काफ़ी कुछ सीखें उसकी बजाय जो सेक्युलरवाद का एक रूप उभर कर सामने आया भारत में जिसमें ये कहा गया कि जो धर्म है उस वो व्यक्ति का निजी मामला है और राज्य को उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए तो ये जो दूसरा दूसरी समस्ती वो हावी हो गई और उसके कारण से समाज में कई तरीके की समस्याएं उत्पन्न हुई तो नंदी इस आधार पर जो भारत का सेक्युलरिज्म है उसको क्रिटिसाइज करते हैं उसको खारिज करने की बात करते हैं त्रिलोकीनाथ मदन या टीएन मदन एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करते हैं इस पूरे वाद विवाद में और उन्होंने वर्ष उन्नीस में यानी कि चटर्जी के लेखन के प्रकाशन के बाद धर्म और उसके समाजशास्त्र पर महारत रखने वाले रखने रखते हुए एक विचार प्रस्तुत किया टीएन मदन ने सेकुलरिज्म इन इट्स प्लेस नामक आलेख में और टीएन मदन जो हैं वो इस बात पर जोर देते हैं कि सेकुलरवाद को पूरी तरीके से खारिज करने की ज़रूरत नहीं है टीएन मदन की मुख्य चिंता यह थी कि सेक्युलरवाद को राष्ट्रीय स्वभाव का अंग कैसे बनाया जाए इसके लिए उन्होंने तजवीज़ की कि बात धार्मिक दायरे से सेकुलर दायरे को अलग होने की नहीं है हिंदू परंपरा को सेकुलर तत्वों के नकार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए उसे सेकुलर और धार्मिक के बीच एक खास तरह के संबंध के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए एक ऐसा संबंध जो पदानुक्रमवत है और जिसमें सेकुलर को धर्म जो सेक्युलर को धर्म अब, जो सेक्युलर को धर्म के दायरे में लेकर आता है उनके अनुसार सेकुलरवाद आधुनिक विज्ञान और प्रोटेस्टेंट मत के द्वंदात्मक संबंधों की देन है इसलिए दक्षिण एशिया की धार्मिक परंपराओं में इस उधार की विचारधारा के तत्व को खोजना बेकार है हिंदू सिख इस्लामी और बौद्ध परंपराएं धार्मिक और सेकुलर के बीच फर्क तो करती हैं पर वहाँ सेकुलर को धार्मिक अपने दायरे में समेट लेता है इसलिए सेकुलरवाद का कोई स्वायत्त आधार नहीं बन पाता यह विचार इस इलाके की मिट्टी से जुड़ने के बजाय मुट्ठी भर लोगों को आ, का सपना बनकर रह जाता है जो वैज्ञानिक मानस के नाम पर जनसाधारण की जीवन शैली को अंधविश्वास की संज्ञा देते हुए उन्हें अपनी छवि के सांचे में गढ़ना चाहते हैं मदन ने यह तर्क दिया कि धर्म की जो विधेयक भूमिका है उसे स्वीकार किया जाना चाहिए और उसे स्वीकार किए बिना सेकुलर मकसदों से धर्म का दोहन किया जाता है जिससे हिंदू पुनरुत्थानवाद सिख आतंकवाद और मुसलमान कट्टरपंथ पैदा होता है तो मुख्य रूप से जो मदन जो तर्क देना चाहते हैं उसमें यह बात सामने आती है कि जो धर्म है दक्षिण एशियाई समाजों में उनके भीतर आ, आप सेकुलरवाद के तत्वों को देख सकते हैं या उन धर्मों ने सेकुलरवाद के महत्व को मानते हुए भी, भी उसे अपने भीतर समाहित किया यानी कि वो कभी भी जो धर्म की भूमिका है वह लोगों के जीवन से उस तरीके से अलग नहीं हो पाती है या उनके सार्वजनिक जीवन से उस तरीके से अलग नहीं हो पाती है जैसा कि वह पश्चिमी समाजों में होती है यानी कि जिस तरीके से एक प्रोटेस्टेंट मत के रूप में यह उभर कर सामने आया और उसने धर्म और राज्य के बीच में एक पृथकता की दीवार खड़ी करने की बात की वह दक्षिण एशियाई समाजों में या हिंदुस्तान में संभव नहीं है इसलिए सेकुलरवाद का विचार अच्छा है और यह इस बात को सामने लाता है कि राज्य जो है वह धर्म के आधार पर भेदभाव ना करें लेकिन अगर यह धर्म के निषेध के रूप में सामने आता है अगर यह आम लोगों के जीवन में जो एक जीवन जीने की उनकी शैली है उसमें अगर यह समस्याएं खड़ी करता है उसका मजाक उड़ाता है उसका उपहास उड़ाता है तो एक तरीके से यह कुछ मुट्ठी भर लोगों तक सीमित होकर रह जाता है तो ज़रूरत इस बात की है कि सेकुलर वाद को जो धर्म के भीतर जो पहलू हैं उनके साथ जोड़कर अभिव्यक्त किया जाए एक दक्षिण एशियाई जो संस्करण हो सकता है उसे सामने लाया जाए तो इनका मदन का यह तर्क है कि जब तक आप धर्म की इस भूमिका को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक जो आ, सेकुलर सेकुलरिज्म है वह धर्म को एक गलत तरीके से उपयोग करता रहेगा और इसी से कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं तो कुल मिलाकर टी एन मदन जो सेकुलरिज्म की जो पूरी धारणा हैं उसमें आ, उसके धर्म के साथ जुड़ाव को दक्षिण एशियाई परिप्रेक्ष्य में देखने की बात करते हैं वो आ, सेक्युलर वो पूरी तरीके से सेकुलरिज्म को एकदम नकारात्मक मानते हुए खारिज नहीं करते हैं लेकिन धर्म के साथ उसके जुड़ाव की बात करते हैं अब एक अन्य महत्वपूर्ण थिंकर हैं पार्थ चटर्जी उन्नीस चौरानवे में 1994 में उन्होंने सेकुलरिज्म एंड टॉलरेंस के जरिए कुछ ऐसे सवाल उठाए जिनसे न केवल सेकुलरवाद का मौजूदा मॉडल प्रश्नांकित होता था बल्कि अल्पसंख्यक प्रश्न से निपटने के मामले में उदारतावादी थीसिस की क्षमताओं पर भी सवाल खड़ा होता था पार्थ चटर्जी हमारे देश के आ, बहुत बड़े आ, एक समाज वैज्ञानिक हैं और उन्होंने कई मामलों पर अपने विचारों को व्यक्त किया है और जिन अलग अलग मामलों पे जब हम भारतीय राज्य की प्रकृति की बात करेंगे तो वहाँ भी इनके विचार आ, सामने आएंगे आ, लेकिन अगर हम सेकुलरवाद से संबंधित उनके विचारों पर ध्यान दें तो उन्होंने सबसे पहले तो इस बात का खंडन किया कि हिंदुत्ववादी राजनीति का फासीवाद या नाजीवाद से कोई ताल्लुक है फिर उन्होंने दिखाया कि भारतीय मुसलमान अपने धार्मिक मामलों में राज्य के हस्तक्षेप के हमेशा से विरोधी नहीं थे लेकिन आजाद भारत में जैसे ही उन्होंने अपने सांस्कृतिक जीवन को बुद्धिवाद के दायरों से अलग रखने का आग्रह किया तो उदारतावादी सिद्धांत संकट का शिकार हो गया चटर्जी ने तर्क दिया है कि राज्य और धर्म के बीच पार्थक्य की दीवार खड़ी करने वाले सेकुलरवाद और आधुनिक राज्य की उदारतावादी विचारधारा के गर्भ से सामाजिक सहिष्णुता की गारंटी अपने आप नहीं निकलती यानी कि आप सिर्फ़ एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत कर दें कि सेक्युलरिज्म होना चाहिए और कोई दखलंदाजी धार्मिक मामलों में नहीं होनी चाहिए राज्य जो है उसे सभी धर्मों से समान दूरी बनाकर रखनी चाहिए तो इससे अपने आप में सामाजिक सहिष्णुता उत्पन्न नहीं हो सकता है बल्कि उदारतावादी सिद्धांत को उस समय परेशानी होती है जब धार्मिक अल्पसंख्यक सार्वभौम नागरिकता के बुद्धिवादी विमर्श में भागीदारी करने से ही इनकार कर देते हैं वे अपनी सांस्कृतिक भिन्नता कायम रखने का दावा ही नहीं करते उस दावे की वजह न बताने का दावा भी भी पेश करते हैं यानी वो बहुत ठोस रूप में कहते हैं कि अगर हम अलग हैं अगर हम अपने धर्म के धार्मिक मामलों को जो बाकी नागरिकता के अधिकार हैं उनसे अलग मानते हैं तो वो हमारे धर्म के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो अल्पसंख्यक समूह हैं वो उसका कारण भी बताएं तो चटर्जी का यह कहना है कि जो अल्पसंख्यक राज्य प्रदत्त मंच पर अपनी विवाद न ले जाने का आग्रह करते हैं और वे अपने सांस्कृतिक आचरण से संबंधित मसलों को अपने धार्मिक दायरों में सुलझाना चाहते हैं और ये जो अल्पसंख्यकों की एक प्रवृत्ति है उसकी तरफ वो एक इशारा करते हैं और वो कहते हैं कि ऐसी स्थिति जब हम देखते हैं तब यह ज़रूरी हो जाता है कि सहिष्णुता की गांधीवादी समझ के बजाय एक ऐसी समझ खोजी जाए जो प्रचलित उदारतावादी सिद्धांत में बनी बनाई नहीं मिलती चटर्जी ने तजवीज की कि इस नई समझ के पैरोकार को एक द्विआयामी आयामी संघर्ष की शुरुआत करनी पड़ेगी वह किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय से बाहर से पड़ने वाले समरूपीकरण के दबावों का प्रतिरोध कर सकता है और समुदाय के भीतर लोकतंत्रीकरण के लिए दबाव डाल सकता है तो ये जो चटर्जी का कहना है वो काफी हद तक वो अल्पसंख्यक समुदायों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और वो यह भी मानते हैं कि आप सीधे तौर पर उन पर दबाव नहीं डाल सकते हैं और उनकी जो एक समझ है कि वो अपने धार्मिक मामलों को सार्वजनिक मंचों पर नहीं ले जाना चाहते हैं उसको आपको समझना होगा और उसके साथ ही आपको दो स्तरीय रणनीति अपनानी होगी एक कि अगर कोई ज़बरदस्ती उनके धार्मिक मामलों में राज्य की तरफ से या बहुसंख्यक समुदाय की तरफ से उनको बदलने के लिए दबाव डालना चाहता है तो आप उसका प्रतिरोध करें लेकिन साथ ही यह भी कोशिश करें कि लोकतांत्रिक तरीके से उनके भीतर अपने कई धार्मिक मामलों को लेकर बातचीत शुरू हो यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि जो शाहबानो मामला हुआ उन्नीस में जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया जिसमें कि शाहबानो नामक महिला को आ, के पति को पूर्व पति को जिन्होंने उन्हें तलाक दे दिया था

मुख्य धारा की राजनीति जो चल रही थी संसदीय राजनीति उसमें लालकृष्ण आडवाणी और अन्य लोग बार बार यह सवाल उठाने लगे या यह बात कहने लगे कि जो कांग्रेस का सेक्युलरिज्म है वो सूडो सेकुलरिज्म है यानी कि वो वास्तविक सेक्युलरिज्म नहीं है वह अल्पसंख्यकों का तुष्टिकरण या अपीजमेंट करता है उन्हें खुश रखने की कोशिश करता है वह यह नहीं चाहता है कि उनमें सुधार हो तो अगर आप इस वाद विवाद के परिप्रेक्ष्य में इस पूरी घटनाक्रम को या चटर्जी के थीसिस को देखें तो आप यह समझ सकते हैं कि चटर्जी अल्पसंख्यकों के भीतर जो अपने धार्मिक मामलों में किसी तरह की दखलअंदाजी ना होने सार्वजनिक मंच पर उनमें चर्चा ना होने की जो एक प्रवृत्ति है उसे रेखांकित करते हैं और उससे बाहर निकलने का एक रास्ता बताने की कोशिश करते हैं और यही वह दौर था जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था और इसी दौर में जो सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ रहा था उसके कारण से ही कई लोग सेकुलरवाद को प्रश्नांकित कर रहे थे कई विद्वान भी जैसे हमने आशीष नंदी को देखा या टीएन मदन को देखा राजीव भार्गव ने अपने लेखन में उसूली फासले का जो एक सिद्धांत है जो राजीव भार्गव के द्वारा दिया गया उसमें उन्होंने बहुत ही मजबूती से भारतीय सेकुलरवाद की जो विशिष्टता थी उसको सामने लाने की कोशिश की यह एक तरीके से जो एक सवाल था सेकुलरवाद पर या उसको एक सूडो सेकुलरिज्म कहने पर उस पर उन्होंने एक जवाब देने की भी कोशिश की कि वो सीडो सेकुलरिज्म नहीं है बल्कि सेकुलरिज्म का भारतीय मॉडल है और राजीव भार्गव ने यह दिखाने की कोशिश की कि जो पश्चिम मॉडल में जो एक पार्थक्य किया गया है सेपरेशन किया गया है राज्य और धर्म के बीच में वह उसूली फासले के सिद्धांत से अलग है उसूली फासले का सिद्धांत पार्थक्य के, के सिद्धांत की अलग समझ सामने लाता है और राजीव भार्गव ने इसी समझ को सामने लाने की कोशिश की भार्गव कहते हैं कि यूरोपीय ज्ञानोदय के विचारों से अलग हटते हुए भारतीय मॉडल मानता है कि मनुष्य भौतिक जगत और अपने अस्तित्व से परे जाते हुए किसी अलौकिक सत्ता में यकीन कर सकता है और उस आस्था के आधार पर सार्वजनिक जीवन में अपनी गतिविधियों को नियोजित भी कर सकता है यानी कि धर्म को मानना सार्वजनिक जीवन में उसका इस्तेमाल करना पूरी तरीके से निषिद्ध या पूरी तरीके से एक गलत चीज़ नहीं मानी गई है उसूली फासले या प्रिंसिपल डिस्टेंस के सिद्धांत में उसूली फासले का तात्पर्य यह है कि धर्म के आधार पर राष्ट्र और राज्य को परिभाषित नहीं किया जा सकता पर इससे धर्म का सार्वजनिक महत्व खारिज नहीं हो जाता उसूली फासले का सिद्धांत धर्म और राज्य के बीच पार्थक्य के मामले में लचीला रवैया अपनाकर देखता है कि, कि किसी धर्म की प्रकृति संदर्भ और मौजूदा स्थिति क्या है वह राज्य में धर्म के हस्तक्षेप की इजाज़त देने के लिए तैयार हो सकता है बशर्ते उसके जरिए स्वतंत्रता समानता या सेकुलर मूल्यों को प्रोत्साहन मिलता हो इसी आधार पर भारतीय राज्य तय करता है कि किस धर्म में कितना हस्तक्षेप करना है और किस धर्म के प्रति अहस्तक्षेप की नीति अख्तियार करनी है अपने ऐतिहासिक विकास और सामाजिक स्थिति के कारण कोई एक धर्म सेकुलर मूल्यों के लिहाज से राज्य के हस्तक्षेप के लिए अधिक उपयुक्त हो सकता है जबकि किसी दूसरे धर्म में भिन्न स्थिति के कारण राज्य उसी तरह का कानूनी हस्तक्षेप न करने का निर्णय ले सकता है मिसाल के तौर पर सामाजिक समानता के सिद्धांत के मुताबिक राज्य को जातिगत ऊंच नीच खत्म करने के लिए हिंदू धर्म में अधिक हस्तक्षेप करना चाहिए उसी तरह धार्मिक विविधता कायम रखने के लिए इस्लाम और ईसाइत उसके में उसके अधिक हस्तक्षेप का पात्र होना चाहिए जाहिर है राज्य सभी धर्मों में एक ही तरह और बराबर का हस्तक्षेप करने या ना करने का निर्णय नहीं ले सकता क्योंकि आ, कुछ धर्म तो यहाँ मुख्य जो विचार है उसको आ, समझने की जरूरत है वह यह है कि आ, जो मैंने पहले भी उसूली फासले के सिद्धांत का जिक्र किया और वह यह है कि राज्य को अलग अलग मौकों पर धर्म और समाज की स्थिति के अनुसार निर्णय लेना होता है और यह भारत के का जो सेकुलरवाद है उसकी विशिष्टता है और पीछे जो मैंने आपको बातें कही उसका अर्थ यही है कि यहाँ पर जो राज्य है वह कुछ मामलों में दखलंदाजी करने का निर्णय लेता है मिसाल के तौर पर अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए या महिलाओं के खिलाफ किसी अत्याचार को खत्म करने के लिए अगर वह धार्मिक आधार पर हो रहा है तो और कुछ मामलों में वह उस तरीके से दखलंदाजी नहीं करता है क्योंकि वह उन समूहों के जो कि छोटे समूह हैं उनके धार्मिक अधिकारों में उल्लंघन प्रतीत हो सकता है तो ये जो एक उसूली फासले का सिद्धांत है यह रवैया धर्मों के प्रति पूर्ण तटस्थता के दृष्टिकोण से तो अलग है ही यह सभी धर्मों को समान भाव से देखने के विचार से भी भिन्न है संभाव का सिद्धांत उसूली के बजाय बराबरी के फासले का प्रतिपादन करता है यानी अगर राज्य किसी एक धर्म में निश्चित हस्तक्षेप करता है तो दूसरे धर्म में भी उतना ही हस्तक्षेप करें दरअसल उसूली फासले या प्रिंसिपल डिस्टेंस के पीछे वैचारिक आग्रह यह है कि अगर सभी धर्म सभी के साथ समानता का व्यवहार करना है तो उस समानता को वास्तविक बनाने के लिए समरूप नहीं बल्कि विवेक सम्मत विवेदीकृत व्यवहार का सहारा लेना चाहिए तो इन सभी पहलुओं में जो भार्गव हैं वो इसी बात पर जोर देते हैं कि जो उसूली फासला है वह भारतीय सेकुलरवाद की विशिष्टता है वसूली फासले का अर्थ यह है कि राज्य सभी धर्मों को समभाव से नहीं देखेगा यानी कि यह या शिकायत गलत है कि यह सूडो सेक्युलरिज्म है बल्कि यह सेक्लरिज्म सेक्लरिज्म का भारतीय मॉडल है और इस मॉडल में यह बात सन्निहित है कि राज्य जो है वो अलग अलग धार्मिक समुदायों में अलग अलग समय पर अलग अलग कारणों से दखल कर सकता है और इसमें यह माना जाता है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उन्हें अपने धर्म को मानने का अधिकार है राज्य अपनी तरफ से उनके धार्मिक व्यवहारों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगर वो व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं या उनकी कुछ प्रथाएं गलत हैं तो राज्य उनमें हस्तक्षेप कर सकता है और राज्य अलग अलग कारणों से अलग अलग धर्मों में हस्तक्षेप करने या ना करने का फैसला कर सकता है मिसाल के तौर पर राज्य एक समय यह फैसला कर सकता है कि अगर वह किसी अल्पसंख्यक समूह मिसाल के तौर पर मुसलमानों के धार्मिक मामलों में दखल नहीं कर रहा है तो उसका प्रमुख कारण यह है कि वह अल्पसंख्यक समूहों के जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखना चाहता है और उन्हें बहुसंख्यक बात से बचाना चाहता है लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा इसकी ओर मैंने संक्षेप में इशारा किया था अब मैं इस ओर थोड़े विस्तार से आना चाहता हूँ कि इस पर यह आरोप इस तरह के दृष्टिकोण पर यह आरोप लगता रहा है कि वह असल में जो राज्य पर काबिज राजनीतिक दल होता है जिसका शासन होता है वह उसकी वरीयताओं के हिसाब से संचालित होता है तो अगर एक राजनीतिक दल है और उसे किसी समूह का वोट चाहिए तो वो ऐसे काम करता है सेकुलरिज्म के होने के बावजूद जिससे कि उसे उन दलों का वोट मिल पाए और कई बार वह सेकुलरिज्म के को इसके आधार पर सेकुलरिज्म के आधार पर उसे सही साबित करता है मिसाल के तौर पर हम शाहबानो मामले को ले सकते हैं उसकी दोनों तरीके से व्याख्याएं हो सकती हैं लेकिन जो सेकुलरिज्म के आलोचक हैं उन्होंने बहुत जोर देकर यह व्याख्या की कि असल में यह एक तरीके का तुष्टिकरण है राजीव गांधी के सरकार के द्वारा यह तर्क दिया जा सकता है कि उन्होंने यह कानून इसलिए बनाया जिसके द्वारा साहबानों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पलट दिया गया तो वह कानून उन्होंने इसलिए बनाया ताकि वो मुस्लिमों के धार्मिक मामलों में स्वायत्त होने की आज़ादी का सम्मान कर सकें लेकिन उसके साथ ही वो एक नागरिक के रूप में एक महिला के अधिकारों की सुरक्षा करने में सफल नहीं रहे लेकिन यह बात बाद के समय में भी यानी कि मौजूदा समय में या नब्बे के दशक में भी सही साबित होती है जहां पर सीधे तौर पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की घटनाएं बढ़ जाती हैं जहां पर बहुसंख्यकवादी राजनीति बढ़ जाती है तो ये जो सेक्लरिज्म है और ये सेक्लरिज्म के प्रावधानों के होने के बावजूद बढ़ता है तो जो पहला जो आरोप लगता है वह अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण का लगता है उसके साथ ही बहुसंख्यकों की उपेक्षा की बात भी इसमें कही जाती है लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है वह यह है कि जो सेकुलरवाद का विचार है वह किस हद तक समाज में या बुद्धिजीवी वर्ग में या राजनीतिक दलों के बीच में मौजूद है उससे भी सेकुलरिज्म का व्यवहार तय होता है अगर यह विचार मजबूती से नहीं है तो फिर वह कई बार एक सतही तरह के विचार के रूप में सामने आ सकता है और इस संदर्भ में हाल के समय में अभय कुमार दुबे ने जो मध्यमार्गी विमर्श की आलोचना प्रस्तुत की है अपनी पुस्तक में जिसका कि शीर्षक है हिंदू एकता बनाम ज्ञान की राजनीति जो 2019 में प्रकाशित हुई थी वह एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है जिसमें उन्होंने ये दिखाया था कि एक तरफ जो सेकुलरवाद की आ, का विमर्श करने वाले जो विद्वान थे वह अलग अलग स्तरों पर सेकुलरवाद को जस्टिफाई करने या इसकी कुछ सीमाओं को बताने की कोशिश करते रहे लेकिन कभी भी उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि जो बहुसंख्यकवाद की राजनीति करने वाले दल हैं या जो समूह हैं यानी कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी वो किस तरीके से अपने आप को बदल रहे हैं और कैसे उनकी खुद की जो सोच है उसमें भी लगातार बदलाव आ रहा है तो इसके कारण से जो अभय कुमार दुबे हैं वो यह कहते हैं कि जो मध्यमार्गी विमर्श है जिसमें कि वो एक व्यापक श्रेणी के रूप में इसका, इसका इस्तेमाल करते हैं इसमें वामपंथी और उदारवादी और कई अन्य तरीके के जो विचारक हैं जो कि दक्षिणपंथी खेमे के नहीं हैं उन्हें उसमें सम्मिलित करते हैं और उनका यह कहना है कि इनका पूरा विमर्श जो है वो एक सीमित विमर्श के रूप में ही बना रह जाता है क्योंकि इस विमर्श में वो जो बदलती हुई हकीकत है उस पर ध्यान नहीं देते हैं वो इसको भी समझने में नाकाम रहते हैं कि किस तरीके से जो सेकुलरवाद का व्यवहार किया गया बहुत सारे राजनीतिक दलों के द्वारा उसके कारण से बहुसंख्यक समाज के भीतर एक अलग तरीके का आक्रोश जन्म लेता है और वो ये भी बताते हैं कि जो एक सेकुलरवाद की या जो दूसरी तरह के जो विचार विचार हैं वो जाति के स्तर पर होने वाले उथल पुथल को समझने में नाकाम रहते हैं और इस बात का उल्लेख बद्रीनारायण ने भी अपनी किताब रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व में किया है कि कैसे जो धार्मिक प्रतीक हैं या फिर जो सामाजिक प्रतिष्ठा है या जो आर्थिक संसाधन है इस तरह के साधनों का उपयोग करते हुए आरएसएस ने और बीजेपी ने अपने आप को जो अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं या जो कई दलित जातियां हैं उनके बीच में स्थापित किया है विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का अध्ययन करते हुए अपनी बातों को वो रखते हैं यानी कि जो सेकुलरवाद का जो विचार है उसे एक तरीके से मुस्लिमों के खुश होने वाले विचार के रूप में स्थापित कर दिया गया और अभय कुमार दुबे की आलोचना यह है कि जो सेकुलरवाद की वकालत करने वाले विद्वान थे वो इस हकीकत को कभी नहीं समझ पाए वो यह भी नहीं समझ पाए कि जिस बहुमतवादी विचार के बरक्स या जिसके सामने वो अपने सिद्धांतिकरण कर रहे थे वो खुद को कैसे बदल रहा था तो यह भी एक महत्वपूर्ण आलोचना के रूप में सामने आता है जो प्रमुख बात हमें याद रखने की ज़रूरत है सेकुलरवाद से संबंधित इस पूरी चर्चा में वह यह है कि अगर हम पिछले दो दशकों की राजनीति को देखें तो उसमें और ख़ासतौर तो पर पिछले एक दशक की राजनीति तो उसमें सेकुलरवाद के प्रश्न को काफ़ी हद तक प्रश्नांकित किया गया है और कई बार मीडिया के माध्यम से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और कई बार प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी सेकुलरवाद को एक बुरे शब्द के रूप में सामने लाने की कोशिश की गई है यह बताने की कोशिश की गई है कि यह एक तरीके से बहुमत वाला जो धर्म है बहुसंख्यक लोग हैं जो हिंदू लोग हैं उनके विरोध का पर्याय है यह बताने की कोशिश की गई है कि यह धर्म को एक बहुत ही उपेक्षित स्थान पर डाल देता है तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसके कारण से जो सेकुलरवाद का जो विचार है उसको काफ़ी चुनौती मिली है और अलग अलग तरह की जो घटनाएं हमारे देश में कई बार होती रहती हैं जहां पर अल्पसंख्यक समूहों के साथ आ, कई बार गलत व्यवहार होता है उससे भी यह अंदाज़ा लगता है कि सेकुलरवाद का विचार बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहा है लेकिन आ, हमें यह भी याद रखने की ज़रूरत है कि यह हमारे यह विचार हमारे संविधान के विभिन्न प्रावधानों में बिल्कुल मजबूती से मौजूद है यह विचार हमारे संविधान के प्रियम्बल का हिस्सा है यह विचार हमारे देश का जो एक आ, एक जो संवेद एक आज़ादी की लड़ाई की जो यात्रा है और जो संवैधानिक यात्रा है उसका अभिन्न भाग है और यह भी कि जो मुख्य विवाद है वह यह है कि इसको अलग अलग तरीके से कैसे परिभाषित किया जाए और इसके व्यवहार को कैसे आगे लेकर जाया जाए और इस संदर्भ में जो एक सेकुलराइजेशन का विचार आता है जिसमें कि जो धर्म का या धार्मिक एक तरीके से कट्टरपंथ का जो प्रभाव हो लगातार कम होना चाहिए वो हर समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और वो भारतीय समाज के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है तो इस लिहाज से जो रोज़मर्रा की जो राजनीति है जो राजनीतिक दलों के जो दाव पेच हैं उसमें सेकुलरवाद एक कमज़ोर स्थिति में दिखता है लेकिन अगर हम भारतीय संविधान के मूल्यों पर ध्यान दें भारत की आज़ादी के दौरान चलने वाले वाद विवादों पर ध्यान दें और कई बार अगर हम आम लोगों के जीवन पर भी ध्यान दें तो वहाँ पर एक सेकुलरवादी तत्व दिखाई देता है जहाँ पर लोग विभिन्न धर्मों के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं वो यह चाहते हैं कि धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव ना किया जाए वो यह चाहते हैं कि जो भारत है वो उस दिशा में आगे बढ़े जहाँ पर जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं जो मानने वाले लोग हैं वो अपने धर्मों को मानते रहें और वो एक नागरिक के रूप में एक सही दिशा में आगे बढ़ें हालांकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसमें कई तरह के वाद विवाद हैं कई तरह के पहलू हैं जो कि अलग अलग दिशाओं से आते हैं और सेकुलरवाद को प्रश्नांकित करते हैं और इस विचार को एक तरीके से बहुत ही कमजोर विचार के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश भी करते हैं तो ये वाद विवाद है जिसको कि हमें लगातार समझते रहना है मेरी कोशिश यह रही है आज की इस पूरी चर्चा में कि मैं आपको सेकुलरवाद की उत्पत्ति के बारे में बताऊं भारत में सेकुलरवाद कैसे आया संविधान में ये कैसे है पश्चिम के सेकुलरवाद से यह कैसे अलग है और पिछले कुछ दशकों में सेकुलरवाद को लेकर किस तरह के वाद विवाद रहे हैं उन सब पहलुओं से एक परिचय आपको करवाऊँ और मुझे ये उम्मीद है कि आपको एक परिचय इन सारे पहलुओं के बारे में मिल पाया होगा और मैं यह भी उम्मीद करता हूँ कि आप कई अन्य पुस्तकों को पढ़ेंगे जिन विचारकों का जिक्र आज की चर्चा में आया उसके बारे में पढ़ेंगे संविधान सभा के वाद विवाद के बारे में पढ़ेंगे या गांधी नेहरू अंबेडकर के विचारों के बारे में पढ़ेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि जो सेकुलरवाद का मूल्य है उसकी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई उसके मौजूदा वाद विवाद क्या हैं उससे संबंधित विभिन्न पहलू क्या हैं तो आज की इस चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ अगले अंक में हम मिलेंगे और भारतीय राजनीति से हम के बारे में एक अन्य पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे नमस्कार